बच्चों, कैसे हो आप लोग। अभी हमने इससे पहले क्या किया था, छोटी की मात्रा पढ़ी थी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बड़ी की मात्रा। आज हम उसे कैसे लिखते हैं और कैसे उसे बोलते हैं वो देखेंगे। ठीक है, चलिए आज हमारा टॉपिक क्या है, बड़ी ई की मात्रा। सभी व्यंजनों पर बड़ी ई की मात्रा लगाओ या सभी वर्णों पर बड़ी ई की मात्रा लगाओ। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है। बड़ी ई की मात्रा हमेशा शब्द के पीछे से लगती है। ठीक है, तो ये हमने ऐसे पीछे से लगाई। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा आगे से लग रही थी तो हम कैसे बोल रहे थे, कि। कैसे बोल रहे थे, कि। अब ये बड़ी ई की मात्रा है, ये शब्द के पीछे से लगेगी तो हमें इसे खींच के बोलना है, कि। कैसे बोलना है, कि। ठीक है, कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, ची ची जी जी और यहां खाली। ओके, पढ़ना है इसको। देखा आपने, बड़ी की मात्रा वर्ण के पीछे से लगी है। ठीक है, जो भी हमने व्यंजन लिखे हैं उनके पीछे से लगानी है हमें, आगे से नहीं लगेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब क्या बोले, कैसे बोलेंगे, की, खी, गी, घी और ये अंक खाली, ची, छी, जी, झी, इया खाली, टी, ठी, डी, डी, री, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, यी, री, ली, वी, शी, शी, सी, ही, छी, त्री, गी। ठीक है, देखा आपने, इस मात्रा को आपको खींच के बोलना है। अब वो छोटी की मात्रा कैसे बोल रहे थे हम, झटके से बोल रहे थे, कि, खी, घी। इसको कैसे बोलना है, की, खी, घी। समझ में आया, आपको खींच के बोलनी है बड़ी की मात्रा। आप ऐसे खींच के बोलेंगे तो आपको ये बोलना आ जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।